बाइक का टोल देर तो लगता ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड में चल रही गाड़ी। एंट्री करके गाइस हम निकल रहे हैं वहाँ से। चारों तरफ भरपूर प्रकृति अपना सौंदर्य बिखेरती हुई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गाइस, हम रात को रुके थे सोनमर्ग से 8 किलोमीटर पहले, तो हमें यहाँ रूम जो मिला वो मिले थे 2600 रुपये दो रूम। तो हम 5 जने हैं, तो अगर वहाँ जाकर रुकते सोनमर्ग में तो शायद रूम कुछ नहीं मिलते। और टाइम होगा यहाँ में 6:15 टाइम होगा, 6:15 के आसपास। तो निकलते हैं अब ले के लिए। ये बर्फ आने स्टार्ट हो गई इस नंबर में, सामने बर्फ दिख रही है। बर्फ तो आगे मिलेगी भाई, इतनी जबरदस्त ठंडी हवा चल रही है जैसे कोई वो नहीं है। गाइस हम सोनमर्ग के चेक पोस्ट पर खड़े हैं और यहाँ पर चारों तरफ अभी जाम या आदमी वाले हमें छोड़ेंगे कहीं ना कहीं ना कहीं पर चलते हैं। देखें सामने देखो पैर पर मस्त और पीछे देखें, ये हमारा महल। तो गाइस यहाँ से चेक पोस्ट से निकल लिया हम। गाइस ये खूबसूरत वादिया, मस्त मजा। जबरदस्त है गाइस, बाइक का टोल गियर तो लगता ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड में चल रही गाड़ी। गाइस जबरदस्त चढ़ाई है और जो रास्ता है बिल्कुल गड्ढा वाला पथरीला रास्ता। ये झरना है गाइस, ये कार के लगा गाइस, वेलकम टू टूरिज्म डेवलपमेंट। एंट्री करके गाइस हम निकल रहे हैं वहां से। चारों तरफ भरपूर प्रकृति अपना सौंदर्य बिखेरती हुई। ये देखो गाइस, ये ड्रास टाउन है जो हम एंट्री पोस्ट चेक पोस्ट से एंट्री करके चले हैं, वहाँ से 15 किलोमीटर राउंड है।
कारगिल के अराउंड, ये कारगिल पुलिस है यहाँ पे। बाकी प्रकृति में क्या सौंदर्य है, चारों तरफ मस्त है यहाँ पे। अब गाइस थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यहाँ पर ड्रास में, सुबह से बिस्किट वगैरह खाए खाली। सो गाइस जो कारगिल मेमोरियल वार थी उससे निकले हैं अभी, हल्की फुल्की नींद आने लगी थी, खाना खाया तब तो मुंह धोया अभी। आप ड्राइविंग करते हो तो हमेशा ध्यान से रखना है, मुंह में च्युइंग गम होनी चाहिए, चबाते रहो मतलब नींद का झपका ना लगे, नहीं तो 2 मिनट का मतलब 1 सेकंड की ध्यान इधर उधर हुआ और बुढ़ी तक घुटना घट सकती है। तो मैंने जैसे लगा मेरा भी थोड़ा नींद आ रही है तो मैंने फ़ौरन उसी टाइम रुका बाइक रोक के सबसे पहले ठंडे पानी से मुंह धोए छपके मारे आँखों में। अब ठीक हूँ, अब ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह से फिट फोर। बाकी रास्ता तो ठीक है, पीछे ख़राब था जो दिखाया भी था मैंने, आगे क्या मिलता है कैसा रास्ता मिलता है वो तो बताएगा टाइम, मेरे को पता नहीं क्योंकि पता है आप लोगों को पता है मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। गाइस अभी जो ले है 240 अराउंड 240 किलोमीटर दूर अभी। और ये रास्ता बढ़िया है यहाँ से जो कारगिल मेमोरियल से आगे, बढ़िया प्लान रास्ता है। ये आगे बाइकर लोग काफी चल रहे हैं। गाइस ये मार्केट कारगिल की, यहाँ बहुत गर्मी हो गई अब। गाइस सूखे पड़े हैं यहाँ पे, बाकी रास्ता अब तक तो पहले नहीं चल रहा है। गाइस ये रास्ते में पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे रेत के पहाड़ बना रखे हो, कच्चे पहाड़ बिल्कुल, मैंने ऐसे पहाड़ फर्स्ट टाइम देखे हैं। रेतीली साथ में रेत देखो जो ये काट भी रखे हैं यहाँ पे, इधर तो रेत नजर आ रहा है, ये रेत के टिब्बे होते हैं इस तरह से। अभी गाइस मैं चल रहा था तो बार बार नींद आ रही थी मेरे को, 2 दिन से बाइक चला रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आज नींद आ रही है क्योंकि तो हमारे जो राइडर थे ग्रुप वाले वे आगे निकल गए थे तो वे भी रुके हुए थे, अभी रास्ते मिले थे तो ये बता रहे थे हमारे को भी आ रही है, मतलब यहाँ का कुछ ना कुछ है इस हवा में जो नींद आ रही है। कल तक मैं गाड़ी चला था पर कोई दिक्कत नहीं थी, आज ही प्रॉब्लम हो रही है। गाइस ये नमी केला टॉप, तो अब आगे चलेंगे हम। ये सेकंड टॉप है, हवा चल रही है बहुत तेज, सर कानों में लग रही है।